स्वीकार कर लिया, सदन की कार्रवाई अपने चलने दी। उसके बाद द्वितीय पाली में जो सदस्यों का विराजकीय संकल्प, एक तो अल्प सत्र रहता है, जो माननीय सदस्य मेहनत कर कर करके नए सदस्य, मैं देख रहा था पंचायती राज का सबसे ज़्यादा लोग विराजकीय संकल्प दिया था, तो ऐसी स्थिति में उसको बाधित कर कर करके और केवल प्रचार का ये माध्यम, जबकि माननीय सभापति महोदय का यह टिप्पणी कि आसन का अपमान है, इससे दुखद बात क्या हो सकती है? तो कार्य संचालन नियमावली को मानेंगे नहीं, आप सभापति के द्वारा दिए गए नियमन को मानेंगे नहीं, और साथ ही साथ जब प्रथम पाली में नियमन दे दिया गया और स्वीकार कर करके अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न चले, तो अभी द्वितीय पाली में इसे करने का क्या औचित्य है, ये तो वही जाने उन्हीं को स्पष्ट करना चाहिए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।